मध्य प्रदेश के रतलाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। वहीं ज्ञापन देने भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तहसील कार्यालय पहुंचे। वहीं आशा वर्करों ने बताया कि कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना की पात्रता में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी न लगाई जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भवन किराए में चल रहे हैं उनका किराया वर्तमान स्थिति के आधार पर कम है, उसे बढ़ाकर प्रदान किया जाए। दूसरे विभागों की भांति कम से कम 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। हम लोगों की प्रदेश का वाहन हुआ है, उसमें हमने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में यही कहा है कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो दूसरे जगह से जैसे सुपरवाइजर की भर्ती निकलती है, पर्यवेक्षक की भर्ती निकलती है, तो उसमें कार्यकर्ता जिनके 10 साल हो चुके हैं उन्हीं को लिया जाए, अन्य को न लिया जाए।